हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मैथ्स चैप्टर वन का प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उस टाइम हम लोग सबका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, सममित, स्वतुल्य, संक्रामक, ये सब क्या होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1.1 का, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर दिया है, संबंध दिया है 1, 2, 2, 1, 2, 3 द्वारा सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। इसमें हम लोग को सिद्ध ये करना है कि ये जो दिया गया है इसमें सममित होना चाहिए बट स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। a इक्वल टू दिया है 1, 2, 3 और r इक्वल टू संबंध दिया है 1, 2, 2, 1, 2, 3। ठीक है, अब सममित होने के लिए क्या कंडीशन होता है, सममित होने के लिए ये होता है कि ये जो a का संबंध है वो क्या है, a1 a2 से होना चाहिए। ठीक है, और जो R का जो संबंध है A1 A2 से तो होना चाहिए, वो तो है। ठीक है, लेकिन A2 A1 से भी अगर R का संबंध होता है तो क्या है, वो जो है मींस इस A का संबंध अगर इन दोनों में मिलता है तो यहाँ पे ये सममित होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लो ये A1 है A2 है, A1 है A2 है। ठीक है, तो A1 A2 इक्वल टू क्या आएगा, 1, 2। ठीक है, A1 A2 इक्वल टू 1, 2। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन होने के लिए A1 A2 तो आ गए, अब R का संबंध A2 A1 से भी होना चाहिए, मींस इसमें जो है A2 A1 का भी मान इसमें रहना चाहिए, तब वो क्या होगा, सममित होगा। ठीक है, तो A2 A1 देखो, A2 A1 R का संबंध A2 A1 में क्या आएगा, 2 और 1 आएगा, तो इसमें है क्या, है। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है इसमें संबंध है वो सममित है। ठीक है, आप देखो स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए ये होना चाहिए कि ए का संबंध ए से होना चाहिए। ठीक है, और अगर आर का संबंध अगर ए ए से होता है तब क्या होगा, वो स्वतुल्य होगा। तो देखो मान लो यहाँ पे सब ए ए है, ठीक है, ए ए ए ए ए है। ठीक, तो अब देखो ए का संबंध ए से तो है लेकिन आर का संबंध भी ए ए से होना चाहिए, मीन्स इसमें जो है आर इक्वल टू या तो 1, 1 होना चाहिए, क्योंकि ए ए रिपीट होना चाहिए 1, 1, या फिर तो 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ऐसा होना चाहिए, सॉरी 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसा होना चाहिए क्योंकि रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा। अब संक्रामक, समझ आया ना, अब संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए यह होना चाहिए कि जो संबंध होता है ए इक्वल टू ए वन ए टू और ए थ्री होने चाहिए। ठीक है, तो ए वन ए टू ए थ्री, ए वन मान लो इसको, ए टू मान लो इसको, ए थ्री मान लो। ठीक है, अब इसका जो है संबंध आना चाहिए, आर का जो संबंध है वो ए वन ए टू से होना चाहिए। ठीक है, और अगर ए वन ए टू और आर का जो संबंध है वो ए टू ए वन से भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आता है फिर भी से, अगर आर का ये जो संबंध दिया है अगर ए थ्री ए वन से भी होता है तो इस कंडीशन में वो संक्रामक होगा। ठीक है, मींस A1 A2 और A2 A1 और A3 A1 अगर तीनों संबंध अगर मैच करता है, इन दोनों में मान आता है, तो वो संबंध क्या होगा, संक्रामक कहलाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। R का संबंध A1 A2, A1 A2 मींस 1, 2, 1, 2 तो है। ठीक है, R का संबंध जो है 1, 2 ये है। ठीक, अब A2 A1, ठीक है, A2 A1 means R का संबंध क्या होगा, 2 और 1, ये भी है। ठीक है, अब देखो आप क्या होना चाहिए, ये जो है A3 A1 भी होना चाहिए। अब A3 का मान क्या है, 3 है, R का संबंध अगर 3 आएगा, 3 और A1 means 1, 3-1 भी है क्या इसमें, 3-1 तो नहीं है, तो ये क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। मींस हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर दिए कि ये जो है दिया है क्वेश्चन इसमें सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, यही चीज हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में a का संबंध है b से, ठीक है, जहाँ दिया है a के पावर b और b के पावर a, स्वतुल्य और सममित हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो स्वतुल्य और सममित के लिए क्या होना चाहिए कि स्वतुल्य के लिए ए ए होना चाहिए, ठीक है, और सममित के लिए क्या होना चाहिए, सममित के लिए तो दिया है अगर ए वन ए टू का संबंध अगर आर से, सॉरी आर का संबंध अगर ए वन ए टू से होता है
ठीक है, तो ए टू ए वन का भी संबंध आर से होना चाहिए, तब क्या होगा ये सममित होगा। ठीक है, मीन्स उल्टा पुल्टा एक समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि ए बी सी मान रहे हैं, ठीक है, ए बी सी का संबंध जो है किससे है, आई प्लस ले लिए हैं, ठीक है, आई प्लस से है। ठीक, अब देखो पहला क्या होगा, ए के पावर ए, ठीक है, मान लो यहाँ पे ए के पावर ए आ गया, ठीक है, तो इक्वल टू इसके पावर भी ए आ गया, मीन्स यहाँ पे ऐसा ले मानते हैं, ठीक है, तो ए का जो संबंध है वो आई प्लस है, ठीक है, आई प्लस से है, ठीक है, ए का यहाँ पे संबंध क्या है, आई प्लस से तो है, ठीक है। अब यहाँ पे ए के जगह में अगर संबंध आ ए से भी करेंगे तो यहाँ का भी संबंध क्या है, आई प्लस से होगा, मीन्स ए इंटू ए, ठीक है, ये ए ए आ गया, ठीक है, यहाँ पे डबल ए आना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ठीक है, आर का संबंध जो है डबल ए मीन्स ए इंटू ए से होना चाहिए, तो क्या होता है ये स्वतुल्य होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे सिद्ध होता है कि ये स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित, हाँ सममित के लिए अगर यहाँ पे दिया है कंडीशन ए का संबंध बी से होना चाहिए, अब देखो ए ए के पावर बी में ये तो है इक्वल टू बी के पावर ए, अगर हम लोग इसको उल्टा भी लिख देते हैं बी के पावर ए और ए के पावर बी, बी के पावर ए के पावर बी, तो इसमें भी कोई फर्क तो पड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीन्स ए वन ए टू जो दिया है संबंध ए वन ए टू है वो ए टू ए वन भी है, मीन्स अगर उल्टा पुल्टा भी कर देते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मीन्स इसका संबंध ये क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू।